Hey everyone, welcome back to the channel. Today I'm going to share with you this beginner friendly, simple and subtle everyday eye makeup look. If you are interested to know how to create this look step by step, then please keep on watching. Agar video pasand aaye to video ko like and share zarur karna. Agar aap channel pe new ho to please subscribe bhi kar dena. Also hit the bell icon to get notification of my future videos. हुडा ब्यूटी की इस आई शेडो पैलेट से सबसे पहले इस लाइट ऑरेंजिश ब्राउन शेड को मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरी आईलिड में विद दिस फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। मैं यहाँ पे मेरी ब्लेंडिंग ब्रश को लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए कलर ब्लेंड कर रही थी। आंखों की इनर कॉर्नर टू आउटर वी में बहुत अच्छे से कलर को ब्लेंड करना है एंड आउटर वी की तरफ मैं कलर को थोड़ी सी इंटेंसिफाई भी कर रही हूँ। देन मैं इस ऑरेंज अंडरटोन पिंक शिमरी शेड को ऐसे एक फ्लैट ब्रश को वेट करके इसे अप्लाई करूंगी मेरी आईलिड में। ऐसे फ्लैट ब्रश को थोड़ी सी गीला करके देन शिमरी शेड अप्लाई करने से बहुत अच्छा पिगमेंटेशन मिलती है एंड कलर का एप्लीकेशन भी स्मूथ होता है। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर आपने इसे ट्राई किया है तो कमेंट करके जरूर बताना ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट मेरी आई शेड में इस शेड को अप्लाई कर रही हूँ। देन आई एम स्विचिंग टू माय फर्स्ट ब्लेंडिंग ब्रश। शिमरी कलर की एजेस को मैं ट्रांजिशन कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। अब मैं इस लाइट ऑरेंजिश ब्राउन शेड को अप्लाई कर रही हूँ मेरी लोअर वाटरलाइन के नीचे मेरी लोअर लिड में। इससे मेरी आई मेकअप अपर एंड लोअर लिड में बैलेंस दिखेगी। मैडलिन ब्लैक जेल लाइनर से मैं सिंपल सा विंग लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आप यहाँ पे लिक्विड लाइनर का भी यूज कर सकते हो। रिसेंटली मैंने विंग लाइनर कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो शेयर की हूँ विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स। वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं जो भी प्रोडक्ट आज यूज कर रही हूँ इस लुक को क्रिएट करने के लिए उसकी परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। काजल के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्टे कूल की बैडेस ब्लैक कोल। मैं पहले मेरी लोअर वाटरलाइन में काजल अप्लाई कर रही हूँ, देन मैं सेम काजल से मेरी अपर वाटरलाइन को भी टाइटलाइन कर लूंगी। सेम आई शेडो पैलेट से इस शिमरी बेस शेड को मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरी ब्राउ बोन को हाइलाइट करने के लिए एंड ऑल्सो इन द इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक ही आई शेडो पैलेट यूज करके इस लुक को क्रिएट कर रही हूँ। लैक्मे आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा से मैं मेरी अपर एंड लोअर लैशेज को अच्छे से कोट कर रही हूँ। अगर आपको फॉल्स लैशेज लगाना पसंद नहीं है तो अच्छे से मस्कारा अप्लाई करके भी आप अपने आई मेकअप लुक को कम्प्लीट कर सकते हो, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। बट आज मैं फॉल्स लैशेज लगा के भी दिखाऊंगी। दिस इज द फाइनल लुक गाइस आफ्टर अप्लाइंग फॉल्स लैशेज। फॉल्स लैशेज के लिए मैंने आज यूज किया इलेक्ट्रोमेनिया का फॉल्स लैशेज। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।